हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करूंगा एक बैड न्यूज के बारे में जो कि वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज के अपडेट के बारे में जो कि है स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड। तो सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन 4 जो है टॉबी मैकफाई की, वो कैंसिल्ड हो चुकी थी, जबकि उस मूवी को साल 2011 में रिलीज होना था सोनी की तरफ से, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या रीजन था, क्या प्रॉब्लम थी, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर आज के दिन बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुकी हैं, मल्टीवर्स आ चुका है, और आज के दिन ये रिवील्ड हुआ था कि टॉबी मैकवाई की जो अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 मूवी है वो पॉसिबल है आने वाले फ्यूचर में। अब वो कैसे, मार्वल स्टूडियो में एक मूवी बन रही है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसके डायरेक्टर हैं सैम रेमी, जो कि ऑलरेडी स्पाइडरमैन मूवी के भी डायरेक्टर रह चुके हैं पुरानी वाली के, जिसकी एक ट्रिलॉजी आई हुई थी। और फाइनली अब उन्होंने ये रिवील्ड करा है कि आज के दिन पॉसिबल है मल्टीवर्स, और किसी भी कैरेक्टर या किसी भी स्टोरी को इजीली मूवी से कनेक्ट किया जा सकता है और पूरा एक मल्टीवर्स खड़ा किया जा सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी, जिसमें कि दोनों स्पाइडरमैन को कितना इजी तरीके से कनेक्ट करा गया सिर्फ मल्टीवर्स के नाम पर, जिससे कि पब्लिक उन्हें इजीली समझ सकी। तो आज सैम रेमी ने यही कन्फर्म करा है कि मैं आने वाले टाइम में स्पाइडरमैन 4 के लिए सोच सकता हूँ, और वो ओपनली इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं कि अगर सोनी और मार्वल उनके साथ हाथ मिला ले स्पाइडरमैन 4 के लिए, तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे और वो स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर, और शायद मे बी क्या पता वो और भी मूवीज़ को डायरेक्ट करें मार्वल स्टूडियो के लिए जो कि मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड हो। तो वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं स्पाइडरमैन 4 को लेकर, और ऐसे लग रहा है कि शायद अब तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी बन सकती है इसी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर। आपको क्या लगता है, अगर सोनी और मार्वल अगर एग्री करते हैं तो इस मूवी को आने में कितना टाइम लगेगा, अंदाजा बताइए, जस्ट साल 2024 में या 25 में, कौन से साल में हमें स्पाइडरमैन 4 या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिल सकती है। एक प्रेडिक्शन करते हैं और देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या सच होता है। चलिए बात करते हैं बैड न्यूज़ के बारे में। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली, जो कि फैंटास्टिक 4 मूवी आ रही थी मार्वल स्टूडियो के अंडर, जिसके डायरेक्टर थे जॉन, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने ब्रेक ले लिया है डायरेक्शन से और उन्होंने फैंटास्टिक 4 मूवी को छोड़ दिया है। अब देखते हैं न्यू डायरेक्टर कौन आता है, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।